Hey, what's up guys? This is Rahul and you are watching Indian Tech YouTube channel. So दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं दिस वन मोर की तरफ से आई वी फ्री ब्लूटूथ इन ईयर हेडफोन का। तो आज इसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और साथ में इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बताने वाले हैं। सो ये क्या आपके प्राइस के हिसाब से इसको लेना चाहिए या फिर नहीं, उसके भी बारे में मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को बिल्कुल फास्ट एंड तक देखते रहिए और सबसे पहले बता दें कि अगर आपके वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर लीजिए और हमसे अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ 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 में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले चला जाए। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों ये है हमारा वन मोर आई वी फ्री ब्लूटूथ इन ईयर हेडफोन। तो अगर सबसे पहले इसके बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि इसका जो वायर्स है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है और साथ में इसका जो डिज़ाइन है वो भी एक मेटलिक डिज़ाइन है। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक हेडफोन है क्योंकि ये जो इसका जो साउंड क्वालिटी और साथ में इसका जो बैटरी बैकअप, सबसे ज़्यादा परेशानी आती है ब्लूटूथ हेडफोन में कि उसका बैटरी बैकअप को लेकर, तो इसका बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। इसको मैं करीब पिछले एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, इसको अभी तक इसका जो बैटरी लेवल है उसको मैं, इसके लेवल होता है एक है हाई, एक है मीडियम और एक है लो। तो मैंने अभी तक इसका लो जो लेवल है उसमें मैं जा ही नहीं पाया क्योंकि मैं हर दिन मैं इसको एक दो दिन के बाद मैं रिचार्ज करता हूँ। और साथ में इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी स्टाइलिश है, इसको जब आप पहनेंगे तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये आप ब्लूटूथ हेडफोन आप पहने हो, क्योंकि ब्लूटूथ हेडफोन क्या होता है कि कई बार एक साइड पे होता है, कई बार आप अगर फुल हेडफोन लेते हो तो दो साइड में, मतलब किसी जगह पर आपको पोर्टेबल नहीं फील नहीं होता है। तो ये आपके आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि एक पोर्टेबल है, साथ में इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा है, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है। सो मेरे ख्याल से इसको डेफिनेटली हाँ है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा प्रोस और कॉन्स के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स से शुरू करते हैं। तो मुझे इसमें सबसे थोड़ा सा कम लगा है इसका जो बेस है, इसके प्राइस के हिसाब से इसका बेस थोड़ा सा मुझे कम लगा है। अगर आप मीडियम साउंड में इसके गाना सुनते हो इसमें तो बहुत ही अच्छा बेस देगा, लेकिन अगर थोड़ा हाई, एकदम हाई लेवल में अगर गाना सुनते हो साउंड में तो आपको थोड़ा सा बेस कम महसूस हो सकता है। और इसका जो प्रोस, बहुत सारा प्रोस है, इसका बैटरी बैकअप मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, करीब 3 दिन तक आपको बैटरी बैकअप दे देगा थोड़ा थोड़ा गाना सुन के। उसके बाद इसका जो साउंड है वो भी बहुत ही हाई एंड है, बहुत ही लाउड है, मतलब जो वायर जो हेडफोन है उससे भी ज़्यादा लाउड है ये ब्लूटूथ हेडफोन में। और इसका लुक्स भी बहुत ही स्टाइलिश है, मतलब आप जब पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक हेडफोन है अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन बाय करने के सोच रहे हो। सो मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली हाँ है, आपको एक प्रीमियम ब्लूटूथ स्टाइलिश हेडफोन मिल जाएगा ये वन मोर की तरफ से। सो अभी हम बात कर लेते हैं इसका प्राइस के। तो इसका प्राइस इसमें बॉक्स के पीछे लिखा है 3999, मतलब 4000 रुपये, लेकिन आपको अमेजन में आपको करीब 3500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप उस जगह से इसको परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि वन मोर एक बहुत ही ट्रस्टेड एक कंपनी है। मैंने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट रिव्यू किया है उन सही में से मुझे वन मोर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि वन मोर आपको कभी भी नहीं कहता है कि आप हमारे प्रोडक्ट का पॉजिटिव रिव्यू दो, अब वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट भेज देता है और बाद में आपका आप प्रोस कॉन्स जो भी कहना है आपको कह दो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो जानता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। सो फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप अगर 5000 के नीचे अगर कोई भी अगर ब्लूटूथ स्टाइलिश एक हेडफोन चाहते हो सो मेरे ख्याल से आप इस वन मोर आई वी फ्री ब्लूटूथ हेडफोन को ले सकते हो। सो अभी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि ये हेडफोन आप लोगों को कैसा लगा और क्या आप लोग इसको बाय करने के सोच रहे हो या फिर नहीं। और साथ में मैं और एक बार बता देता हूँ कि बहुत ही जल्दी
ये जो आप देख रहे हो हाथ में स्मार्ट वॉच का, इसका भी रिव्यू आने वाला है। ये हमारे पास बैंगलोर की तरफ से आए, सो इसका भी रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो आप जरूर स्टे ट्यून कीजिएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर लीजिए, और हो सकता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अभी हबीबी।